आई एम हेयर टू से समथिंग टू यू ऑल. सो आई एम प्रियंका सिंह, योर साइकोलॉजिकल काउंसलर, एंड दिस इज माई चैनल स्टेबलिस्ट. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्रेसिव बिहेवियर. सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वॉट इज एग्रेसिव बिहेवियर, वॉट इज एग्रेशन एक्चुअली. समटाइम एग्रेशन में भी नॉर्मल, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है देन ये थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है. वो आपको पहचानना है कि आपका एग्रेशन किस हद तक है. अगर आप किसी चीज़ को हार्म पहुंचा रहे हो या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वो एग्रेशन कंट्रोल के बाहर है. अगर आप अपने एग्रेशन को, अपने एंगर को मैनेज कर पा रहे हो देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन, देन इट्स नॉर्मल. कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. लेकिन आपके एंगर से और आपके एग्रेशन से आपको ही तकलीफ़ हो रही है, या आपके आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ़ हो रही है, आपके फैमिली मेम्बर को तकलीफ़ हो रही है, या आप खुद को हार्म पहुंचा रहे हो, या खुद को आपके लिए ये चीज़ बहुत बुरा हो रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, तो वहाँ पे एग्रेशन जो होता है, एंगर जो होता है, वो सही नहीं है. वहाँ पे आपको एंगर मैनेजमेंट सीखना होगा कि एंगर मैनेजमेंट हम कैसे करें. तो सबसे पहले आपको तो फाइंड आउट करना है कि आपके एंगर कितने समय तक रहते हैं, और जब आपको जब जिस सिचुएशन में गुस्सा आता है तो क्या आप उस अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं. अगर कोई अनकंट्रोल करना सकता है तो प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए कि आप अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करते हो. आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आप किस तरह से अपने गुस्से को मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो. तो जो एंगर मैनेजमेंट टेक्निक है वो काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है. आप खुद से कर सकते हो, अपने एंगर को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे सोशल सिचुएशन में, जॉब में, स्कूल में या फैमिली में हम अपने गुस्से को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, उससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये जानें कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें. तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको किस सिचुएशन में गुस्सा आता है और किसके ऊपर ज़्यादा आता है. अगर किसी सर्टेन पार्टिकुलर इंसान पे ही आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक उस इंसान के साथ ख़त्म हो जाएगा. और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है, या किसी के कहने से, बोलने से, या किसी कोई चीज़ हो गई है और आपको उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ. अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे तो आप अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो. कहते हैं कि जो हमारा गुस्सा होता है, हमारा एग्रेशन होता है, वो 6 सेकंड तक काफ़ी हाई पिच पे होता है. और हम 6 सेकंड तक अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो हम काफ़ी हद तक अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं. आप एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हो. अगर आपको किसी सिचुएशन में या कहीं भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 10 तक काउंट डाउन कीजिए. इससे क्या होगा कि इससे आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप उसे मैनेज करना सीख लोगे. या तो और एक तरीका है जो मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हो, उतना भी मुश्किल नहीं है. वो है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, यानी कि रिजल्ट के बारे में पहले सोच लें. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम है. आप उसी समय में जब आपको गुस्सा आता है, प्लीज़ थोड़े देर के लिए माइंड में कर लीजिए कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे अपने बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव बिहेवियर दे रहा हूँ, या चाहे स्कूल में हो, जॉब में हो, या किसी भी सिचुएशन पे हो और आपको गुस्सा आ रहा है, वहाँ पे कोई आप एक्शन लोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. क्या पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हों जो बाद में आपको ही पछतावा हो. तो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेते हो तो उसके बाद आपको अपना एंगर डिस्प्ले करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, और आप सोचोगे कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए. तो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस भी सोच लेते हो तो आप अपने गुस्से को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो. आप डीप ब्रेथ ले सकते हो. और अगर किसी को एग्रेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है और हर चीज़ सिचुएशन में गुस्सा आता है, तो आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. आपके लिए बहुत ज़रूरी है योगा मेडिटेशन. वो आपके दिमाग को शांत रखेगा, जिससे आपको अपने आप को, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना आ जाएगा. तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना सीख जाओगे. तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है. तो जो ये चीज़ें मैंने बोली हैं काफ़ी सिंपल तरीका है. जो भी आपको एग्रेसिव बिहेवियर सर्टेन सिचुएशन में आ रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा हुआ. आई विश कि मैंने ये जो भी बातें बोली आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा.
So keep watching my channel and subscribe my channel. Stay blessed, stay healthy. Thank you so much.